आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये चार प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनको उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माता जी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें इस संस्था को, ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100324 29, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120101777, IFSC कोड PONB0021200, संपर्क सूत्र 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान, सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता, MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधु श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा। फांसी पे चढ़ाने का समय आया, उससे पूछा कि कुछ कहना है, उसने कहा कहना है। वो कहने लगा, राजन आपने मेरी शकल देखी तो तुम्हें ठोकर लगी, मैंने तुम्हारी शकल देखी तो मुझे तो फांसी लग रही है। अब अशुभ तुम हो कि मैं हूं, तुम तो ठोकर से बच तो गए और वो भी तुम्हारी गलती थी, तुम मुझे क्यों देख रहे थे? तुम आराम से देख के चल रहे होते तो ठोकर काहे को लगती? नीचे देखे 3 गुण, जीव जंतु बच जाए और ठोकर लगने से बचे दया धर्म पल जाए। नीचे देखकर 3 गुण होते हैं। तो राजा को भी ख्याल आया कि वाकई में मेरी शकल इसने देखी तो उसे फांसी लग रही। राजा ने उसकी माफ कर दी सजा। हमें भी कोशिश करना है कि मेरी ये शकल तो चेहरे बदल जाएंगे, बचपन में कुछ और थे, जन्म के समय कुछ और थे, किशोर अवस्था में कुछ और थे, अभी कुछ और हो, 20 साल बाद कुछ और होगे, और जब शमशान में चले जाओगे तो क्या चेहरा रहेगा? अरे मुट्ठी भर राख वो भी लोग जमीन में दबा देते हैं कि इसकी गलत हवा कहीं और किसी को नहीं लग जाए। आपको पता है तीर्थंकरों को, मुनियों को जला कर आते हैं तो क्या महोत्सव मनाते हैं? तीर्थंकरों का निर्वाण भी तो मौत ही है, पंडित मरण है भले, लेकिन उनको मौत के बाद देव कल्याणक मनाने आते हैं, और अपन मर जाएंगे तो घर के बाहर ही जलाते हैं, घर के बाहर ही नहाते हैं कि इतना शुद्ध व्यक्ति था कि इसका एक कण भी अपने घर में नहीं आ गया।
आप सोचो घर वालों के मरने के बाद अपन शुद्धि और कराते, जैसे इतना शुद्ध व्यक्ति था कि शुद्धि की जरूरत थी, पहले ही भाव शुद्धि करा लेते तो घर की शुद्धि की काय को आफत पड़ती। और आजकल तो शुद्धि रही नहीं घर में, इसलिए परमात्मा के चरणों में एक नंबर के होकर आओ। मैंने कहा आरंभ की हिंसा का तुम त्याग नहीं कर पाते हो, अब अनाज का व्यापार है, होटल आदि तो हो जाती है, आपसे नहीं चाहे कर, लेकिन आरंभी हिंसा आप लोगों से हो जाती है। सफाई करोगे, खाना बनाओगे, कभी जीप पड़ जाते तो साफ, लेकिन कम से कम लापरवाही तुम्हारी नहीं होना चाहिए। ये लिया धूप में डाल दो, अरे थोड़े छाल लो, फटक लो, जीव निकाल लो, उसके बाद उन जीवों को छाया में डालो, मरेंगे वो, लेकिन तुम अपने हाथ से तवे पर तो मत डालो। ये छोटी छोटी बातें हैं और इनसे तुम्हें श्रावक में रहते हुए भी यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, सोल में स्वर्ग तक जा सकते हो आप लोग। लेकिन ऐसे नहीं कि बस चावल चढ़ाए और कोई क्रिया तुम्हारी इतना चार पूर्वक नहीं होती। अभी आप लोग बड़े अच्छे भजन सुन रहे थे कि तस्वीर हो, ऐसी हो माता जी का चेहरा दिखे, ध्यान रखना ये चेहरे तो यदि हाथ काट दो मेरा तो वही खून निकलेगा जो तुम्हारे अंदर निकलेगा। यदि अभी गोली लग जाए तो वैसे ही मर जाऊंगी जैसे कोई और व्यक्ति मरता है, जहर पिला दे कोई तो वैसे ही जहर मेरे अंदर असर कर जाएगा, शरीर में कोई अंतर नहीं है। फूल यदि जानवर ले या इंसान ले मसलेगा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी फूल को यदि कोई प्रेमी किसी को दे दे तो क्या होगा, वो फूल नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा उपहार है। इसी प्रकार से देह तो मिट्टी का पतला है, आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईट इसमें हड्डियाँ, खून इसमें गारा है और ईट इसमें हड्डियाँ, चंद सांसों पर टिकाए एक हमामी नूर जहाँ, मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से ही हमारा टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से ही हमारा टूट कर गिर जाएगी और गिरेगी। ये सबकी गिरती है, हमारा कोई अब बात नहीं है, मेरी भी गिरेगी, क्योंकि इसका तो मरण धर्मा ही स्वभाव है। मौत धन मिले, पैसा मिले, पति मिले, अच्छे बच्चे मिले, अच्छा मकान मिले, व्यापार मिले, पता नहीं क्या मिले और नहीं मिले, लेकिन मौत सबको मिलती है। मौत ईमानदारी से सबका हिसाब कर देती है, मौत सबको शमशान ले जाती है, सारी साने समाप्त कर देती है, लेकिन हम शमशान नहीं जाएंगे। हम राग से पैदा हुए संसार में आए, ये मजबूरी थी, ध्यान रखना दुनिया राग से पैदा होती है। हम राग से संसार में आए थे, ये हमारी मजबूरी थी, लेकिन हम त्याग के द्वारा स्वर्ग और मोक्ष जाएंगे, हमारा पुरुषार्थ होगा। पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे में निजा आनंद में लीन रहो, तुम आवागमन विमुक्त हुए मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ, पूजन का किया विसर्जन अब मैं पाप भाव में उलझ गया, अब तक की मूर्खता भारी तजनीम खलाल हाय पिया, ये तो भारी कमजोरी है उपयोग नहीं टिक पाता है, तत्वाधिक चिंतन से हटकर यह दूर पाप में जाता है। ये तो ध्यान रखना, पूजा का किया विसर्जन अब मैं पाप भाव में उलझ गया, हम कहते जल्दी कर लो विसर्जन जल्दी, अरे जल्दी कर लो, लेकिन भाव यही आना चाहिए कि भगवान अभी तक कम से कम शुद्ध उपयोग तो नहीं हो पा रहा था मेरा, मुनियों की तरह आपका शुद्ध उपयोग नहीं हो पा रहा था, क्योंकि आपका होगा तो शुभ उपयोग तक हो सकता है, लेकिन अच्छा था कि मैं अशुभ से तो हटकर इतनी देर शुभ में लगा था। अभी आप प्रवचन में बैठे हो, कितने पापों से बचे हो, कितनी कसायों से बचे हो,
क्योंकि सिर्फ यहाँ बैठना ही तुम्हारी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करा रहा है। क्यों सिर्फ बैठे हो यहाँ? बैठने मात्र से मन भी शुद्ध हो रहा है, कान भी अच्छे शब्द श्रवण कर रहा है, और क्या मन वचन काया काया भी हम मौन बैठी है। यहाँ से निकलते ही देखना क्या हो जाएगा शुरू। तो कम से कम हम निकले तो एक ऐसा भाव आना चाहिए कि कब शाम होगी, कब फिर चलेंगे। सिर्फ ये भाव बनाना, निकृष्ट मिल भी जाए तो नहीं अच्छा नहीं है, और उत्कृष्ट नहीं मिले तो भी अच्छा है। ये भाव बना कर जाना, ये मत कहना समय मिलेगा तो आ जाएंगे, कौन आएगा बार बार। अरे अभी नहीं आओगे तो एक दिन जिस कबूतर खाने में जाते हो उस कबूतर खाने से बड़ी बेइज्जती से निकाले जाओगे। जो मुहूर्त पर तुम्हारे नागल पर पूरा खानदान और रिश्तेदार आए थे, समाज के लोग आए थे, वो तुम्हारे जाने पे तो रताएंगे, तुम्हारी खबर पहुंचेगी और घर पर आ जाएंगे। तुम इतने दिन बीमार थे तब कोई नहीं आया, लेकिन फोन जाते ही तुरंत आ जाएंगे, बोले बस निकल गए, और आकर एक भी सलाह नहीं देता कि रहने दो, इतने अच्छे बेचारे ने इतना कमाया। उसी जगह जहाँ सा आम जगह वहाँ जला के आते हैं, और वो भी कितनी बेइज्जती से। सोचो उस दिन की कर याद कि जिस दिन मल 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 होगी और चढ़ने को दो बांस मिलेंगे, क्या होगा तन पर? मल 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 होगी, मखमल नहीं मिलेगी, और अब तो और आविष्कार नहीं हो गए, अब तो मोक्ष द्वार की गाड़ी है, समझ गए ना, शमशान की गाड़ी आती है। क्योंकि तुमने जिन्हें कंधे लगाया था, कंधों पर रख कर सुलाया था, वो तुम्हें कंधा लगाएंगे। जिनकी चिंता में तुमने रातें गवाई थी वो चिता जलाएंगे। तुम जीते जी उनकी चिंता में जले थे, मर कर भी वो तुम्हें जलाएंगे। और जिस घर में तुम रहे थे उस घर की शुद्धि कराएंगे, और उसकी जो पगड़ी थी वो तुम्हारे सिर पे पहनाएंगे कि बेटा जाग जा, एक दिन बाप गया तेरा भी नंबर आएगा, बाप गया तेरा भी नंबर आएगा, इसीलिए बेवकूफ तुझे पगड़ी पहनाई है कि बोझ है, समझ जा। अभी इसे उतारने का भाव तो रख, भले मत उतार पाना, लेकिन ये सोचना घर को छोड़ी बन जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं। आजकल का आदमी कहता है मंदिर छोड़ घर जाऊं मैं वो क्षण कब पाऊं, आप समझ गए। लेकिन मैं आपसे ये कहती हूँ कि सिर्फ अपन को आने से भी असंख्यात गुणी निर्जरा। कुछ पढ़ोगे तत्वार से तो 10 उपवास का फल लगेगा, यहाँ मात्र आने से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और उसके बाद भी जैसा कि कहा था कि शमशान में लो कितने बेईमान लोग हैं, ये बेवफा हैं, यदि लब भी मानता नहीं कम वक्त ना समझे ने जानता नहीं। ये वो लोग हैं जब तक जीते थे तो कहते थे पापा चिंता नहीं करना, आपको कुछ नहीं होने देंगे, आपका जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ खून गिरा देंगे, और यहाँ बाप की सास गिरी वहाँ सबको फोन लगा देते हैं। और ये और पूछते हैं जीते जी भी डॉक्टर साहब कितना टाइम और लगेगा। हमने कहा ये वो ही बाप है जिसने मंदिरों में जाकर दुआएं मांगी थी कि भगवान मेरी उम्र मेरे बच्चे को लग जाए, और बच्चा कह रहा है कितनी देर है। ये बहुत गद्दार लोग हैं, जीते जी सत्य नहीं सुनाते हैं, सुनने वाला चला जाता है तब सुनाते हैं। राम नाम सत्य सत्य बोले गत्ते, अरिहंत नाम सत्य सत्य बोले गत्ते। मैंने कहा 2 घंटा पहले सुनाया होता तो बेचारा गति तो सुधार लेता। और देखो कितना अच्छा नाम है, अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते। लेकिन किसी की शादी में जाके तुम लिफाफा देते टाइम बोलो अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते तो क्या होगा, वो क्या कहेगा, सच बताना। वो क्या कहेगा, हाँ वापिस लिफाफा भी तुम ले जाओ।
हाँ, और सच्चाई तो ये तुम लोग कह कहोगे ये ऐसी अशुभ बात क्यों कर रहे हो। ध्यान रखना हम अच्छी बात है, क्या बताओ गलत क्या बात है कि अरिहंत नाम सत्य और इसी को बोलकर आगे गमन करो। अच्छा, अरे तुम अच्छे जीवन में प्रवेश कर रहे हो तो शुभ काम शुभ नाम लेकर जाओ। संसार में प्रवेश कर रहे हो, शादी कर रहे हो तो ये अरिहंत नाम और यही सत्य इसको लेकर जाओ। लेकिन तुमने अच्छे अच्छे नामों को गलत जगह फिट कर रखा है और घर में लिखते हो शुभ लाभ और शुभ नाम की चीज ही नहीं है घर में। बताना कौन सा काम करते हो घर में शुभ? एक काम नहीं करते हो घर में शुभ। कोई प्रार्थना करो पूजा करो, अरे आदमी बड़ा बेईमान है। पूरे लोग मिलकर एक मंदिर बना लेते हैं पूरा समाज मिलकर, और अपना घर अलग अलग बना लेते हैं। कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग, आप तो अपने ख्यालात बदलो। बदलने वाले तदवीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। तो चलिए, मैंने आज कहा था कि कुछ हमारे साथ नहीं जाएगा, तो चंद लाइनें मैं दोहराऊंगी, आप सभी भी दोहराना आपको अच्छा लगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण ज्ञान औषध करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति रविंद्र प्रसाद जैन, वीना जैन, पुत्र पुत्र वधु राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री रमार, संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री, संस्कृति जैन, बोधि जैन, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी, श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम हरियाणा, श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यक रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21000 रुपए, सदस्यता 31000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51000 रुपए, अति विशिष्ट 71000 रुपए, संरक्षक 111000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 211000 रुपए। माताजी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBOSHRIMA, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212001011772777, IFSC कोड PUNB002120। नोट, आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।